प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम होम साइंस विषय के अंतर्गत कक्षा छठी का 8वां अध्याय कर रहे हैं, पारिवारिक संबंध। जैसा कि हम सब परिवार से ही आते हैं, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके परिवार ना हो। तो जिस परिवार में बच्चे का जन्म और पालन पोषण होता है, उस परिवार का उसके जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। घर ही बच्चे का सबसे पहला स्कूल होता है, यही उसकी प्रवृत्तियों का ढांचा तैयार होता है। जो व्यक्ति वस्तु और जीवन के प्रति उसकी प्रवृत्ति बनती है, वो घर से ही बनती है, यानी परिवार से बनती है। बच्चे के प्रारंभिक जीवन में निर्धारित हुई प्रवृत्तियाँ हमेशा उसके साथ रहती हैं। आने वाले जीवन में उसकी उन वृत्तियों को बदला अवश्य जा सकता है, किंतु जड़ से समाप्त नहीं किया जा सकता। घर और परिवार। घर वह स्थान है जहाँ परिवार के सदस्य रहते हैं, जहाँ बच्चों का जन्म और पालन पोषण होता है। परिवार में अनेक सदस्य होते हैं, इनका आपस में रक्त का संबंध होता है, यानी खून का संबंध, जिसको कहते हैं कि फलाने फलाने से हमारा रक्त संबंध है, यानी कि खून का संबंध है। इन सबके पूर्वज भी एक ही होते हैं। परिवार के सभी सदस्य आपस में प्रेम से रहते हैं और एक दूसरे के प्रति विश्वास, आदर, भक्ति और सहयोग की भावना रखते हैं। यह लोग घर में रहें चाहे घर से बाहर रहें, अपने लोगों की चाह इनके घर की ओर इन्हें उनके घर की ओर खींच ही लेती है। अमीर गरीब, छोटे बड़े, सभी को अपना घर और अपने लोग प्यारे होते हैं। परिवार एवं संबंधी। यहाँ बेटा आपका प्रश्न नंबर 1 का उत्तर दिया गया है। एक भारतीय परिवार में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी आदि के अतिरिक्त चाचा चाची, मामा मामी, बुआ मौसी, चचेरे भाई बहन तथा ममेरे भाई बहन होते हैं। तो हमारे परिवार में कौन कौन सदस्य होते हैं, ये यहाँ दिया हुआ है। आगे है कि पुराने नौकर चाकर जो बहुत अरसे से घर में कामकाज करते हैं, वे भी परिवार का ही अंग बन जाते हैं। इनमें से बहुत से सदस्य एक ही घर में रहते हैं। एक ही घर में रहने वाले एक ही परिवार के सदस्य परस्पर भिन्न भिन्न विचार रखते हैं और सभी में अपनी अपनी विशेषताएं भी होती हैं, यानी कि सब में अलग अलग विशेषताएं होती हैं और सबके विचार भी अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी वे सब एक होकर घर में रहते हैं और अपने घर की भलाई और मान मर्यादा को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं। परिवार के सदस्य छोटे हों या बड़े, गरीब हों या अमीर, स्वस्थ हों या बीमार, सभी के मन में परिवार के प्रति संबद्धता की भावना रहती है, यानी कि प्यार प्रेम की और बने एकजुटता की भावना रहती है। सभी अपने घर के प्रति अपनत्व की भावना रखते हैं। अपने घर में ही उन्हें अपना अस्तित्व नजर आता है और इसी प्रकार उनमें पारस्परिक सहयोग की भावना का विकास होता है। अच्छे संबंध। वह घर सचमुच स्वर्ग के समान होता है जहाँ परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, जहाँ सभी के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम, आदर और भक्ति की भावना होती है, जहाँ सब एक सुख के साथ दूसरे के सुख का भी ध्यान रखते हैं, अपने सुख के साथ दूसरे सदस्य के सुख का भी ध्यान रखते हैं। बेटा ये आपके प्रश्न नंबर 2 का उत्तर यहीं समाप्त होता है। यहाँ से अच्छे संबंध से लेके प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है और प्रश्न 2 का उत्तर यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद यही है अच्छे संबंध बनाए रखने के मूल सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 का आंसर इसके बाद। जिस घर में रहने वालों के आपसी संबंध अच्छे होते हैं, वहाँ पलने वाले बच्चों की प्रवृत्तियाँ और व्यक्तित्व भी इन अच्छी बातों से अछूते नहीं रहते, यानी कि जिनके संबंध अच्छे होते हैं उस परिवार में जो बच्चे पलते हैं उनके संबंध भी अच्छे ही होते हैं। जब बच्चा अपने अभिभावकों में प्यार, दुलार, समझदारी, नम्रता, निस्वार्थ विश्वास आदि गुणों का अनुभव करता है, तो उसमें वो सारे गुण अपने आप ही आ जाते हैं। घर में अन्य सदस्यों के साथ मिलजुल कर रहने की शिक्षा बच्चे को अपने पेरेंट्स से ही मिलती है, अभिभावक पेरेंट्स से ही मिलती है। बच्चा जब अपने परिवार के साथ मिलकर रहना सीखता है, तभी उसे समाज में नियम, रीति रिवाज, इनको मानने का महत्व भी समझ आता है। माता पिता के सामाजिक व्यवहार के ढांचे पर ही बच्चे का सामाजिक विकास होता है। इस प्रकार परिवार में रहकर बच्चा उस व्यवहार को सीखता है
जो समाज को मान्य होता है और समाज में रहने के लिए जो आवश्यक है। अब है परिवार के सदस्यों के प्रति व्यवहार। परिवार में जितने भी व्यक्ति होते हैं सभी एक दूसरे से कुछ ना कुछ नाता रखते हैं, यानी कि सबका एक दूसरे से कुछ ना कुछ नाता अवश्य होता है। संबंध के अनुसार हर व्यक्ति से भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवहार की आशा की जाती है। माता पिता का आपसी व्यवहार भाई बहन का आपसी व्यवहार से भिन्न होता है। घर में अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि घर का हर सदस्य एक भली प्रकार समझ ले कि उसे घर में रहने वाले हर सदस्य से कैसा व्यवहार करना है। अपने घर में सदैव सुख शांति रखने के लिए बच्चों को भी प्रयत्न करने चाहिए। उसे भी घर के प्रत्येक व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए जिससे सभी उससे प्रसन्न रहें। परिवार के इन सभी सदस्यों के प्रति बच्चों से कैसे व्यवहार की आशा की जाती है इसका विवरण अब हम नीचे इस अध्याय में करेंगे, यानी कि इस अध्याय में इसका अध्ययन करेंगे। माता पिता के प्रति व्यवहार। बच्चों का माता पिता के प्रति कैसे व्यवहार होना चाहिए। माता पिता अपने बच्चों का पालन बड़े लाड प्यार से करते हैं। बच्चे पढ़े लिखे स्वावलंबी बने फले फूलें यही उनकी एकमात्र आकांक्षा रहती है। अपने बच्चे के लिए वे हर समय भलाई की कामना करते हैं। बच्चों की मामूली सी तकलीफ से भी माता पिता को बहुत कष्ट होता है। स्वयं कठिनाई सहकर भी माता पिता अपने बच्चे के जीवन को हर सुविधा देने का प्रयत्न करते हैं। उनकी इस निस्वार्थ सेवा का बदला क्या कभी बच्चे चुका सकते हैं? कभी नहीं। वास्तव में माता पिता अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी करते हैं किसी फल की आशा से कभी नहीं करते, परंतु बच्चों को अपनी ओर से उनकी इस निस्वार्थ सेवा का ऋण चुकाने का प्रयत्न अवश्य ही करना चाहिए। इसे चुकाने का एक सबसे सरल उपाय है कि बच्चे अपने प्रतिदिन के व्यवहार में माता पिता के लिए असीम प्यार आदर और भक्ति का आचरण करें। प्रत्येक बच्चे का कर्तव्य है कि अपने माता पिता के आदर्शों का पालन करें। उनके कामकाज में हाथ बटाना चाहिए। माता ही रसोई पकाने में तैयारी अगर कर रही हो तो सब्जी छील दे बच्चा, या और किसी भी प्रकार से माता की हेल्प या मदद कर सकता है। इस प्रकार कभी कभी छोटे भाई बहनों के लिए जैसे दूध गर्म करना, बोतल में पानी डालकर पिलाना, दूध बोतल से पिलाना, जब कपड़े धुल जाएं तो उन्हें सुखाना, कहीं टूटा फूटा कुछ पड़ा तो उसे उठा के डस्टबिन में डालना, या कुछ टूट गया है तो उसे टांक देना, इसी प्रकार यदि कोई वस्त्र फट गया है तो उसे सिल देना। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चे को हर समय हर संभव उपाय से माता पिता की सेवा करनी चाहिए। प्रतिदिन सोने से पहले और अगले दिन के लिए साफ वस्त्र या स्कूल यूनिफॉर्म, जूते, स्कूल बैग वगैरह तैयार करने चाहिए जिससे समय पर स्कूल पहुंच सके, कोई परेशानी ना हो। अपने माता पिता के साथ बच्चे अच्छे संबंध रखने के लिए बच्चों को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे को स्पष्टवादी होना चाहिए। उनको अपने माता पिता से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। अपने सुख दुख समस्या आदि जो भी कुछ है बिना झिझक के अपने माता पिता से बात कह देनी चाहिए। बच्चों के वास्तविक शुभचिंतक उनके माता पिता ही होते हैं। अपने बच्चों की खुशहाली और सफलता को देखकर उन्हें सबसे अधिक प्रसन्नता होती है। इसलिए बच्चों से मिला प्यार और विश्वास ही उनकी सेवा का सबसे अमूल्य पुरस्कार होता है। इसलिए बच्चों को चाहिए कि स्पष्टवादी रहें और कुछ भी अपने माता पिता से ना छुपाएं। आदर करना चाहिए। बच्चों के मन में माता पिता के प्रति बना हुआ आदर अडिग होना चाहिए। विश्वास होना चाहिए अपने माता पिता पे। जब बच्चों को यह विश्वास हो जाता है कि उनके माता पिता कोई गलती नहीं कर सकते तभी वह उनका आदर करते हैं। बच्चे को सदैव उनके माता पिता के लिए शिष्ट व्यवहार यानी कि अच्छा व्यवहार और मीठे शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। माता पिता जो व्यवहार चाहते हैं उनसे प्रसन्न होकर वह व्यवहार करें। अप्रसन्न कभी भी ना हो। अपने माता पिता का दिल ना दुखाएं। भाई बहनों के प्रति व्यवहार। एक ही पिता की संतान आपस में भाई बहन या भाई भाई का संबंध रखते हैं। माता पिता को अपने बच्चों को समान रूप से प्यार होता है। भले ही कोई बड़ा हो, छोटा हो, सुंदर हो, कुरूप हो, गुणवान हो, गुणहीन हो, स्वस्थ हो, बीमार हो, सबसे माता पिता प्यार करते हैं। अपने भाई बहन को अपना प्रतिद्वंदी समझ लेना
या उससे ईर्ष्या करना, द्वेष करना, लड़ना झगड़ना बच्चों को शोभा नहीं देता। बच्चों को चाहिए कि आपस में भाई बहन प्यार से मिलजुल कर रहें, एक दूसरे का आदर करें और उन्हें स्नेह करें, प्रेम करें, प्यार करें। घर में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा, उससे बड़े भाई बहनों का आदर करना चाहिए, छोटों की देखभाल करनी चाहिए और अपनी अच्छी अच्छी आदतें उन्हें सिखानी चाहिए। यदि बड़े भाई बहन अपने व्यवहार को छोटे की नासमझी के कारण बदलना सीख जाएं, तो भाई बहनों की आपसी संबंध में बहुत ही ज़्यादा सुधार हो सकता है। अन्य सदस्यों के प्रति व्यवहार, अपने माता पिता भाई बहनों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये सब हम पढ़ रहे थे। अब इनके अलावा दादा दादी, चाचा चाची, बुआ आदि से भी अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। परिवार के ये भी सदस्य हैं, परिवार के सदस्य होने के नाते ये लोग भी परिवार की भलाई के लिए कार्य करते हैं। इन सभी संबंधियों के साथ बच्चों का कैसे व्यवहार करना चाहिए, इसका विवरण हम आपको दे रहे हैं, बता रहे हैं कि किस प्रकार से इनसे व्यवहार करना चाहिए। दादा दादी, नाना नानी के प्रति व्यवहार, इसमें इनके प्रति बच्चों का व्यवहार एक विशेष स्थान रखता है। इनका छोटे बच्चों से बहुत प्यार और लगाव होता है, क्योंकि ये बच्चे उनकी संतान की संतान होते हैं और बच्चे को चाहिए कि उन्हें भी उतना ही आदर और सम्मान दे जितना अपने माता पिता को देते हैं। बच्चों को दादा दादी, नाना नानी के में उम्र का फर्क होने के नाते कुछ कठिनाइयां सामने आ सकती हैं, लेकिन उनके कारण असहमति नहीं होनी चाहिए। ये पूर्वज अपनी परिपाटी को बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि वह उनके युग की देन है। बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि पूर्वजों के विचार बदल तो नहीं सकते, लेकिन आदर और प्रेम से भी अपने विचार उन्हें समझा जरूर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उनको चाहिए कि समय समय पर उनके साथ बातचीत करें, अपने अनुभव उनको सुनाएं, उनके अनुभव सुने। ऐसा करने से दोनों में ही एक दूसरे को समझने की शक्ति बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगी, जो संबंधों को सुधारने में और बनाए रखने में सहायक सिद्ध होगी। अब है अन्य संबंधियों के प्रति व्यवहार। मामा मामी, बुआ मौसी आदि का भी बच्चों से संबंध होता है। वास्तव में माता पिता के बाद संबंधियों में इन्हीं का स्थान निकट होता है। यूँ भी माता पिता के भाई बहन होने के नाते ये हमारे आदरणीय होते हैं। चचेरे ममेरे भाई बहनों को अपने ही भाई बहनों के समान जानना चाहिए और उन्हें भी प्यार और आदर देना चाहिए। अधीन कर्मचारी वर्ग के प्रति व्यवहार, इन सब संबंधियों के साथ ही साथ बच्चों को उन व्यक्तियों की ओर भी ध्यान देना चाहिए जो एक अरसे से उनके परिवार की सेवा कर रहे हैं, जो उनके घर के नौकर हैं, चौकीदार हैं, दूध वाला, धोबी, सब्जी वाला, जमादार इत्यादि। ये गरीब लोग मेहनत करते हैं और अपने परिवार का पेट भी पालते हैं। अपने मालिकों से इन्हें सदैव सहानुभूति की आशा रहती है। बच्चों को सदैव मेहनत की कदर करनी चाहिए और इस वर्ग में काम करने वालों के भी सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें भी सम्मानपूर्ण और मधुर शब्दों से ही बोलना चाहिए। घर में काम करने वाला नौकर या नौकरानियाँ छोटे छोटे बच्चों के पालन पोषण में भी सहायक होते हैं। यही बच्चे जब बड़े होकर इन्हें दुत्कारते हैं तो सचमुच इन्हें बहुत ठेस लगती है। इसलिए बच्चों को चाहिए याद रखना कि ये लोग भी उनके परिवार का अंग हैं। इनसे भी परिवार के अन्य सदस्यों की भांति सदैव सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अब मित्रों के प्रति व्यवहार, परिवार के सदस्यों के बाद बच्चों के जीवन में मित्रों का बहुत अधिक महत्व होता है। बच्चे याद रखो कि योग्य मित्रों के चयन पर ही तुम्हारे जीवन की सफलता निर्भर करती है। इसका कारण यह है कि संगति का प्रभाव सब पर पड़ता है। कोई भी व्यक्ति संगति के प्रभाव से बच नहीं सकता। मित्रता जोड़ते समय बच्चों को अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए, सोच समझ कर मित्र बनाने चाहिए। अब उनका चुनाव कैसे करें और मित्रों के प्रति आपके कर्तव्य क्या हैं, ये हम अब आगे पढ़ रहे हैं। मित्रता स्थापित करने के लिए उसे स्वयं एक अच्छा मित्र बनना चाहिए। मित्र ऐसा हो जो सुख दुख में काम आए। मित्र को धन वैभव खुशहाली के आधार पर नहीं तोला जा सकता। गरीब हो या अमीर, छोटा हो या बड़ा, मित्र तो मित्र ही होता है। मित्रों के लिए कोई भी बलिदान बड़ा नहीं है।
उनके लिए कुछ भी करने का हर समय तैयार रहना चाहिए, उनके लिए कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मित्रों से शिष्टाचार का व्यवहार करना चाहिए। मित्रों की इच्छाओं, विश्वास, रीति रिवाज, रहन सहन, विचारों का आदर करना चाहिए। मित्रों पर विश्वास करना सीखना चाहिए और उनके प्रति वफादार भी होना मित्रता की आधारशिला है। मित्रों को बुराई से बचाना और सच्चाई की ओर ले जाना चाहिए। झूठ बोलने वाले और कपटी बच्चों की संगति से हमेशा बच कर रहना चाहिए। ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं बेटे। इसमें पीछे पाठ में प्रश्न 1, 2 और 3 के निशान लगाए गए हैं। प्रश्न नंबर 4, किसी ऐसी घटना का वर्णन करो जिसके कारण तुम्हारे माता पिता ने तुम पर गर्व किया हो, और ऐसी घटना का भी वर्णन करो जिस कारण तुम नाराज़ हुए हो। ये बच्चे खुद लिखेंगे। प्रश्न 5 का आंसर, तुम्हारे दादा दादी या नाना नानी के संग हुए कुछ रुचिपूर्ण अनुभव का वर्णन करें। ये भी आप अपने दादा दादी या नाना नानी से पूछकर खुद लिखेंगे। नेक्स्ट है, तुम्हें अपने भाई बहन की कौन सी बातें अच्छी लगती हैं, ये भी आप लोग खुद करेंगे। नेक्स्ट है, अपने चचेरे भाई बहन के संग अन्य शहर में बिताए हुए एक दिन का वर्णन करो, तो ये भी आप लिख सकते हैं। 8वां प्रश्न, अपने मित्रों से मित्रता बनाए रखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखोगे, ये आपको यहाँ नीचे दिख रहा है, सभी को निशान लगा के बताया गया है बेटा, यहाँ से आप करेंगे। अब ये पाठ मैंने यहाँ समझा दिया है आपको, इसके बाद आप अपनी बुक से सभी बच्चे इसको रीड करेंगे और समझेंगे, और उसके उपरांत अपने प्रश्न उत्तर लिखकर काम पूरा करेंगे। धन्यवाद।